पाकिस्तानी भी अपने जांबाज पुलिसकर्मियों को सिंघम का तमगा दे रहे हैं। पाकिस्तानी तो अब सिंघम फिल्म के वीडियो क्लिप्स ट्वीट करके अपने पुलिसकर्मियों को शाबाशी दे रहे हैं। आखिर पाकिस्तानी क्यों हुए सिंघम के दीवाने, क्यों अपने पुलिसकर्मियों को बुलाने लगे सिंघम, इसके पीछे भी एक कहानी है। कराची में 18 अक्टूबर को विपक्षी दलों की इमरान खान सरकार के खिलाफ एक बड़ी रैली हुई। इसके अगले ही दिन सिंध की पुलिस उस होटल में पहुंच गई जहां नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर और उनकी पत्नी मरियम नवाज मौजूद थी। पुलिस इन दोनों के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई और कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने जब दरवाजा खोला उठकर, तो बाहर पुलिस खड़ी थी और उन्होंने कहा कि हम आपको गिरफ्तार करने आए। अभी वो अपने कपड़े तब्दील कर रहे थे कि मुझे दरवाजा तोड़ने की आवाजें आईं और उन्होंने वो जो सिक्योरिटी लैच होता है दरवाजे का, उसको तोड़ा, जोर से जबरदस्ती से उसको तोड़ा और कमरे के अंदर आ गए। मैं बेड में थी और सब ने उनको कहा कि आप अंदर मत आए, लेकिन वो फिर भी अंदर आ गए। वो अंदर आ गए और सफदर को गिरफ्तार करके ले गए। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पाकिस्तानी फौज की सोची समझी साजिश थी। पाकिस्तानी सेना के जांबाजों ने आईजी सिंध मुश्ताक महार को जबरदस्ती घर से अगवा कर लिया और उनसे कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के आदेश पर दस्तखत के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी सेना की इस जबरदस्ती के विरोध में आईजी सिंध ने अनिश्चितकाल के लिए छुट्टी पर जाने का फैसला ले लिया। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सिंध पुलिस ने मोर्चा खोल दिया। सिंध की पुलिस को शाबाश देता हूँ, जो जिन्होंने बहुत खुददारी और जिन्होंने बहुत ज़्यादा बहादुरी का सबूत दिया है, आज इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया है। आईजी मुश्ताक महार के छुट्टी पर जाने के साथ ही सिंध के 50 से ज्यादा पुलिस अफसरों ने पाकिस्तानी सेना की कारस्तानी के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में इमरान सरकार और उनकी फौज की थू थू होने लगी। सोशल मीडिया पर सिंध पुलिस की तारीफों के पुल बनने लगे। पुलिस वालों की तुलना सिंघम से होने लगी, आईजी मुश्ताक की तुलना सिंघम से की जाने लगी। वी स्टैंड विद सिंध पुलिस पाकिस्तान में ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। इस पूरे मामले में इमरान खान को सांप सूंघ गया। पहली बार पाकिस्तान में पुलिस की बगावत ने फौज को बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा फौज के खिलाफ जांच के आदेश पर मजबूर हो गए। इसके साथ ही सिंध पुलिस के अधिकारियों ने 10 दिनों के लिए छुट्टी पर जाने का फैसला रद्द कर दिया। पुलिस वालों की जीत हुई तो पाकिस्तानियों को भी याद आई हमारे बाजीराव सिंघम की।